देश के अंदर कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एहतियातन 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन किया है, जिसका आम लोगों पर लॉकडाउन का खासा असर पड़ा है। घर का खर्चा चलाने से लेकर बच्चों के स्कूल की फीस देना तक लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों को बच्चों की फीस देने के लिए प्रेशराइज न किया जाए। निजी स्कूलों ने सरकार से रियायत की मांग की है ताकि उनके पास भी इस आपातकालीन स्थिति में सवाल कर सके। रिपोर्ट मंजीत कौर, अम्बाला, हरियाणा। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी सर, लॉकडाउन के दौरान किस तरीके की समस्याएं जो हैं वो निजी स्कूलों को आ रही हैं, उसके बारे में बताएं। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बिल्कुल बंद पड़े हैं और स्कूलों में ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जा पा रहा है, ना प्रिंसिपल जा पा रहा है, जिससे हम ना तो टीचर्स की तनख्वाह बना पा रहे हैं, ना टीचर्स की तनख्वाह दे पा रहे हैं। और स्कूल बंद होने की वजह से अभिभावक भी नहीं आ रहे, और ज़्यादातर जो बजट प्राइवेट स्कूल छोटे स्कूल हैं उनके अभिभावक ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स नहीं जानते, वो डायरेक्ट पेमेंट्स नहीं करा सकते, इसलिए उनकी फ़ीस भी नहीं आ पा रही है। तो बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से इस समय विशेषकर ग्रामीण अंचल के स्कूल और शहर के छोटे स्कूल जो है वो बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। सर, गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस जो है वो पारित किए हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो फीस जो है वो नहीं सबमिट करवा लेगा किसी को प्रेशराइज करके, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ने जो कहा है, फीस तो प्राइवेट स्कूल्स में और बजट स्कूल्स में तो आ ही नहीं रही है। उन्होंने कहा है कि स्वेच्छा से जो अभिभावक है वो फीस दें और किसी को भी प्रेशराइज ना किया जाए। तो मुझे तो लगता है कि सरकार को ये आदेश करना चाहिए था कि जो सक्षम अभिभावक हैं वो आगे आकर स्कूलों की फ़ीस अदा करें। जैसे प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग सक्षम हैं वो राष्ट्र की मदद करें और राष्ट्र में पीएम रिलीफ फंड में पैसा दे, सीएम रिलीफ फंड में पैसा दे। इसी प्रकार का एक पॉजिटिव संदेश स्कूल के अभिभावकों को भी जाना चाहिए था कि जो सक्षम अभिभावक हैं वो आगे बढ़कर फीस दे, ताकि जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं उनकी भी मदद हो और उनके बच्चे भी जो है स्कूल में एजुकेशन ले पाए, और जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है वो किसी की भी प्रभावित ना हो। सर, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो है जूम ऐप आई थी, लेकिन जूम ऐप जो है वो कारगर साबित नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या अल्टरनेट जो है वो ढूंढे गए हैं? देखो, इसको लेकर हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ बात कर रहे हैं और बेंगलोर की एक कंपनी के साथ बात कर रहे हैं, जिनके अधिकारी अली सेठ से हमारी बात चल रही है। लगभग जो है तय हो गया है कि जितने बजट स्कूल्स हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट की टीम ऐप के द्वारा ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, और बिल्कुल बहुत ही कम कॉस्ट पर। हमारी कोशिश है ना के बराबर कॉस्ट, जिस पे कोई अधिक पैसा, बिल्कुल नेग्लिजिबल ना के बराबर कॉस्ट पे वो सुविधा प्रदान कराई जाएगी। क्योंकि हमारा एक सपना था निशा का भी कि देश के अंतिम बच्चे के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो और वो टेक्नोलॉजी युक्त शिक्षा ले सके। तो इस समय देश के अंतिम बच्चे को ज़रूरत है। जो सक्षम अभिभावक है उनके पास लैपटॉप है, उनके पास स्मार्टफोन है, अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं, हर तरह की फैसिलिटी है। लेकिन जो असक्षम अभिभावक है और बजट प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उनके पास ये सुविधा नहीं थी उनके पास। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट से बात करके उन पर ये सुविधा पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जिस पर लगभग हम सफल हो चुके हैं। और जल्दी ही मेरे अपने विद्यालय में ये स्टडीज़ शुरू हो गई हैं, जल्दी दूसरे विद्यालयों को भी, देश के लाखों विद्यालयों को ये सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।